अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। और अगेन यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है और ये इस वीक का लास्ट लंच बॉक्स है। और जो है माशाल्लाह से मैंने लंच बॉक्स की प्रेप करके रख ली थी ना पूरे वीक की, तो भाई बहुत आसानी से पूरा वीक गुजरा। और सर्दी को इतनी ज़्यादा है, सुबह उठा नहीं जाता तो बस फिर जल्दी वाला काम हो जाए ना तो काफ़ी आसान रहता है। और यहाँ ना अरबा के लिए और हबीबा के लिए मैंने लंच बॉक्स की तैयारी कर दी थी और दोनों बच्चियां जो है स्कूल जा रही थी और अपने जो है पानी की बॉटल्स भूल गई थी, तो मैंने सोचा ऊपर से देख लूं कि जो है अगर वो लोग अभी नहीं गए हों वैन में तो फिर जो है मैं उन लोगों को बॉटल दे दूँ पानी की। और क्योंकि जो है ना नवेरा आज स्कूल नहीं गई है, नवेरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नवेरा को कोई इतना तेज़ बुखार है ना कि बस फिर नवेरा जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हुई हुई हूँ मैं नवेरा की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि नवेरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और यहाँ अबुल हसन जो है ना बहन के साथ साथ बैठे हुए हैं और उदास हैं क्योंकि अबुल हसन जो है ना नवेरा के साथ खेलते रहते हैं ना, तो काफ़ी जो है खुश रहते हैं। और जो है अब जो है अबुल हसन भी ना काफ़ी जो है परेशान हुए हुए हैं नवेरे की वजह से, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई हुई हूँ। इसी वजह से मैंने दो दिन से आप लोगों के साथ जो है व्लॉग शेयर नहीं किया था। और नवेरा को देखें कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना, तो बस फिर यही परेशानी आजकल चली गई जिसकी वजह से मैं दो दिन से आप लोग के साथ ना व्लॉग शेयर नहीं कर पाई। तो आप लोग भाई जल्द से जल्द दुआ करें कि जो है नवेरा जो है ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे बीमार हो ना तो मदर्स भी जो है परेशान हो जाती हैं। और यहाँ अबुल हसन अपने बाबा के साथ जो है बलून लेकर आए थे तो बस फिर उसी से खेल रहे थे और नवेरा से कह रहे थे कि आप भी मेरे साथ खेलो। और कुकिंग का टाइम हो गया था तो बस फिर मैंने जो है आज बहुत ज़्यादा क्विक एंड फास्ट वाले जो है ना यहाँ पे काले वाले चने बना लिए थे, क्योंकि नवेरा बोल रही थी कि बिल्कुल भी मेरे पास से ना हटो, मम्मा आप मेरे पास ही बैठे रहो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करा है, प्याज टमाटर हरी मिर्चें पुदीना सब एक साथ ही कट कर मैंने जो है ज़ीरे के साथ तेल में शामिल कर दिया था। और फिर उसके बाद कुटी मिर्चें नमक और जो है पीसी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, तो हम तमाम चीज़ें एक साथ शामिल करने के बाद ना मैंने अच्छे से भून लिया था। और फिर इसमें मैंने काले चने शामिल कर दिए जो कि मैंने जो है फ्रीज कर रखे हुए होते हैं बॉईल करके। तो बस जी हाँ चने तैयार हो गए थे और इससे ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। हरे धनिया की गार्निशिंग के साथ सर्व करेंगे। तो ये था छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।